नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। इस वक्त हम दरभंगा में हैं और इस वक्त हम जहां बैठे हैं, ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो भी रणनीतियां बन रही है उसका ये प्रधान कार्यालय है। हमारे साथ इस वक्त अर्जित शाश्वत जी है, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि इस बार NDA के तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से वो लोग इस बार बूथ को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं और क्या तैयारियां कर रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। किस तरीके से यहाँ पर इस बार कार्य प्रणालियाँ हो रही हैं? देखिए, पूरा देश जो है वो मोदीमय हो गया है, और मैं देश नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि पूरे विश्व के जो हमारे नेता हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो ग्लोबल लीडर के रूप में इमर्ज होकर के हम लोगों के बीच में हैं, और हम लोगों को गौरव मिला है कि यहाँ पर दरभंगा में भी एक ऐसे वीर जो हैं, एक ऐसे भाई, एक ऐसा बेटा चुनाव मैदान में है, जो तीसरी बार जनता के आशीर्वाद लेने के लिए तत्पर है, और उनका नाम है गोपाल जी ठाकुर। तो आपने कहा रणनीति तो हम लोगों की ऐसी कुछ नहीं है, हम लोग प्रत्येक दिन काम करते हैं, और काम करने वाले कार्यकर्ता अंतिम में केवल उनको यही मिलता है कि आशीर्वाद के रूप में मत मिलता है, जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जनता उनके साथ है, प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है, और हम लोगों की रणनीति बस यही है कि इस बार हम लोग कैसे 4 लाख पार करें यहाँ, क्योंकि पिछले बार हम लोग 2,79,000 वोट से यहाँ विजयी हुए थे, तो इस बार 4 लाख कैसे पार करें इसकी तैयारी चल रही है यहाँ पर। अच्छा, जिस तरीके से मिथिलांचल को ज्ञान की भूमि भी कही जाती है और यहाँ का जो भी वातावरण है काफ़ी मायने रखता है, इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर के आपने कहा कि आप लोग 4 लाख पार की सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त बात अगर हम विपक्ष की करते हैं तो विपक्ष इस बात पर हमलावर बनी हुई है। जिस तरीके से आए दिन कोई ना कोई बयानबाजियाँ होती है मोदी सरकार को लेकर, क्या लगता है? देखिए, विपक्ष का काम होता है हमेशा विरोध करना, और हम लोगों का काम है काम करना। विकास की जो ये लड़ी आप देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश भर में ये किया है, और आज उनके कारण आप देखें, जो आप हम लोग बात करते हैं दरभंगा की, दरभंगा में आपका वर्षों पुराना मांग था एयरपोर्ट का, आज आप प्लेन से यहाँ उतर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर एम्स, जो कि देश का एक्रेडिटेटेड हॉस्पिटल कहलाता है, वो बिहार में अगर पटना के बाद दूसरा है तो यहाँ बनना है एम्स। इसी प्रकार से कई NH की परियोजना यहाँ चल रही है, रेलवे की कई परियोजना यहाँ पर चल रही है। आज सीता मैया का यह धरती है, माँ जानकी का, और मिथिलांचल हम लोग हेडक्वार्टर में बैठे हैं दरभंगा में, तो ये क्षेत्र जो है बहुत ही उर्वरक क्षेत्र है। जिस प्रकार से आपने देखा कि जियो टैगिंग करके हम लोगों ने मखाना, इसको वर्ल्ड लेवल पर कैसे ले जाया जाए, इसका एक्सपोर्ट हो सके, उसका प्रधानमंत्री जी ने विमोचन भी किया था, आज वो कार्यक्रम हमारे सामने चल रहा है। यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं, यहाँ के जो प्रोडक्शन करने वाले जो हमारे फार्मर्स हैं, उनकी मेहनत को सही मामले में सप्लीभूत जो है प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि दरभंगा ऐसा क्षेत्र उभर करके आ रहा है देश के नक्शे पर, जो कि केवल पहले बोलते थे मिथिला, तो मिथिलांचल क्षेत्र में आज अपनी अस्मिता और अपनी पहचान को बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान हम लोगों को मिल रहा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस तरीके की बयानबाजियां की जा रही है, और इस पर आप देख ही रहे कि किस तरह से सियासत हो रही है। ये बातें लगातार कही जा रही है कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो मुस्लिमों का आरक्षण भी खत्म कर दिया जाएगा, क्या लगता है? मैं तो यही जानता हूँ कि मुस्लिम और हिंदू की तो बात ही नहीं है। जो सही मायने में देश को जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, और राष्ट्रीय भाव की बात कीजिए, हम लोग जिस देश में रहते हैं, भारत माता के सभी बच्चे हैं, मुसलमान हिंदू नहीं हैं। और जहाँ तक लोकतंत्र को समाप्त करने की बात करते हैं, वो भ्रम पैदा करने की बात हो रही है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ये जो विकास की गति, ये जो विकास की जो रेल जो पटरी पर दौड़ रही है, इसको रोकने का प्रयास जो है ये विपक्षी कर रहे हैं। ये सब मिलकर के जो ठगबंधन इनका है, ये ठगबंधन जो है, ये सोचते हैं कि भारत का नाम देने पर, इंडिया बोल देने पर इनका काम आसान हो जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाला है। और लोकतंत्र का खतरा का बात करते हैं, लोकतंत्र का तो नाश आपने किया, इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, 74 का मूवमेंट करना पड़ा, इमरजेंसी लागू किया था। आज
जो नेता आपको पूरे भारतवर्ष में घूम जाइए, इंडी गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए 74 मूवमेंट में एक साथ आए थे। आज सब कांग्रेस की गोद में, जिस कांग्रेस को हटाने की मांग को लेकर के और लोकतंत्र को बचाने की मांग इन्होंने की थी, आज लालू हों चाहे वहाँ उनके मुलायम के पुत्र अखिलेश हों, चाहे देश में साउथ में आप चले जाइए, नॉर्थ में चले जाइए, ये सब लोग अपने आप को 74 के नेता बोलते हैं और सब लोग लोकतंत्र बचाओ का नारा दे करके बाबा भीमराव को प्रणाम करते थे। आज मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये छलावा है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के साथ भी और देश के जनता के साथ भी, कि जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने संकल्प लिया था उस संकल्प को भूल करके आज उसी कांग्रेस के गोद में बैठ करके उसे मजबूत करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन दिनों चिराग पासवान भी जो है विपक्ष के निशाने पर है, लगातार उन पर कोई ना कोई टिप्पणी हो रही है। चिराग पासवान को इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बयानों से घिरना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। उनकी माताश्री को भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे चिराग पासवान नाराज भी नज़र आते हैं। तो चिराग पासवान जिस तरीके से इन दिनों अपना बचाव कर रहे और ये कह रहे हैं कि मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए जो किया है वो जगजाहिर है, लेकिन फिर भी विपक्ष के वो निशाने पर है, क्या लगता है? विपक्ष के निशाने पर तमाम हमारे जैसे नेता कार्यकर्ता हमेशा होते हैं। विपक्ष का काम होता है, मैंने बताया, विरोध करना, लेकिन जिसने कभी विकास की बात ही नहीं की है वो विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान जो हैं एक युवा चेहरा है, हमारे जो गठबंधन है वो राजग गठबंधन के एक प्रबल नेता के रूप में वो हैं, युवा नेता के रूप में हैं। आप देखिए जिस प्रकार से कटाक्ष करके या विरोधाभास करके लोगों के बीच में गलत संदेश दिया जा रहा है, एक माँ के ऊपर गलत प्रकार की टिप्पणी की जा रही है, तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग को भोंकने का काम है भोंकते रहें, और जिनको काम करना होता है वो केवल काम पर विश्वास करते हैं। तो चिराग भी अपना काम कर रहे हैं, अपने दल के ही नहीं, हमारे गठबंधन में जो जो हमारे 40 के 40 कैंडिडेट के लिए उनका प्रचार चल रहा है, तो उन लोगों को अपच हो रहा है, क्योंकि उन लोग सोचते थे कि केवल हम लोगों के पास ही वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन उससे ऊपर उठ करके सभी के लिए एक समान भाव से चिराग भी घूम रहे हैं, बाकी नेतागण भी घूम रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आप केवल विरोध करते हैं तो उसका बहुत असर अपने आप ऊपर पड़ता है, क्योंकि विरोधियों का काम होता है विरोध करना, अपना काम होता है विकास करना। तो अजीत शास्त्री जी हमारे साथ थे, जिनसे हमने अभी बातचीत की है। अजीत जी ने जिस तरीके से बातें कही है कि जो भी बात इस वक्त वो लोग कहते दिखाई दे रहे हैं, हमारा तो काम है ज़मीनी स्तर पर खुद को मजबूत करना। हम जो है इनके बयान से नहीं डरते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष इस वक्त बयान दे रही है साफ तौर पर पता चलता है कि विपक्ष की मंशा क्या है। इन्होंने ये भी कहा कि हम अपने आप को मजबूत करके खड़े हैं और इस बार हमने भी तय कर लिया है कि किस तरीके से जनता के दिल में समाना है, किस तरीके से जनता के बीच जाकर काम करना है, ये हमने तय कर लिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।